पहले मैं आपको बता दूं कि हम वही खबरें आपको दिखाते हैं जो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि सच जरूरी है। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि देते हुए पीएम मोदी की आंख में आए आंसू। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज अब हमारे बीच नहीं है। बुधवार को पीएम मोदी अपने इस सबसे कद्दावर पूर्व मंत्री को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। आमतौर पर सख मिजाज के लिए मोदी यहां पर अपने आंसुओं को नहीं रोक पाए। पूर्व विदेश मंत्री और बीजेपी नेता सुषमा स्वराज का दोपहर 3 बजे होगा अंतिम संस्कार। सुषमा स्वराज जी के अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर बीजेपी मुख्यालय पर दोपहर 12 से 3 बजे तक रखा जाएगा, जहां लोग अपने प्रिय नेता के अंतिम दर्शन कर सकेंगे। इससे पहले सुषमा स्वराज के घर धवल द्वीप पर बुधवार सुबह 11 बजे तक अंतिम दर्शन किए जा सकेंगे। सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि देने पहुंचे रामगोपाल यादव सहित कई नेता हुए भावुक। पूर्व विदेशी मंत्री सुषमा स्वराज की बीती रात दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया। सुषमा स्वराज के आकस्मिक निधन पर सभी राजनीतिक दलों ने शोक व्यक्त किया है। बुधवार को सुबह सपा के राष्ट्रपति महासचिव रामगोपाल यादव भी सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके घर पहुंचे थे। इस दौरान वो भावुक हो गए। MNS News Live की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।